ओके डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, पहले तो हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। हम लोग 2024 में प्रवेश कर चुके हैं। वेन एवर यू स्टार्ट अ न्यू ईयर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ब्रिंगिंग यू टू माय लाइब्रेरी। आज मैं फिर आपको अपनी लाइब्रेरी में लाया हूँ, छोटी सी लाइब्रेरी है। जैसी जैसी नई बुक्स आते जाते हैं, पुराने बुक्स को हम यहाँ से हटाते जाते हैं। You find that a lot of students demanded from me that there should be some discussion over the important books in 2023. अब मैं आपको बताना चाहूँ कि 2023 के जो important books भी हैं, उनकी संख्या इतनी है कि अगर हम सभी को discuss करें, तो फिर हम लोग whole night यहीं खड़े रह जाएंगे। तो ऐसा तो करना नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ। I have to make you familiar with the बुक्स एंड द ऑथर्स, और फिर मैं इनमें से जो इंपॉर्टेंट बुक्स है उसके 15 मिनट्स का डिस्कशन आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम लाता रहूंगा। मुझे लगता है कि बेटर कॉम्प्रोमाइज होगा और हम दोनों के लिए बेहतर होगा। अब देखिए, मैं सबसे पहले आपको कहूंगा, आप इन बुक्स को देखकर डरना मत, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि भाई बहुत सारे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं एनसीईआरटी बुक्स पढ़ पाते हैं, उसके आगे नहीं पढ़ पाते। मैं समझता हूं कि यूपीएससी में बुक पढ़ने का टाइम नहीं होता है। तो फिर आप कहेंगे कि मैं बुक्स की दुनिया में आपको क्यों ले जा रहा, इसके पीछे मेरा मकसद क्या है। तो इसके पीछे मेरा एक ही मकसद है कि जैसे आप जब प्रिपरेशन के हायर स्टेज में जाएंगे और जब क्वेश्चन राइटिंग कर रहे होंगे, तो आपको क्वेश्चन में वैल्यू एडिशन की जरूरत पड़ती है। मतलब कुछ चीजें, मतलब उसको क्या बोलते हैं, जैसे मैं बोलता हूं कि छौंका लगाना। You have to sprinkle some ideas over your writing so that quality of writing should improve and it should beat the writing of other students. आपकी राइटिंग कैसे डिस्टिंग्विश करेगी? देखिए, आपने अगर कभी गौर किया होगा, इंटरव्यू पढ़ा होगा, 2021 में जो टॉपर रही है, जो हिस्ट्री सब्जेक्ट से ही थी, उसने इस बात का रेफरेंस दिया एक्सक्लूसिवली कि she has quoted books in her writing, whether it may be the paper of history or general studies. तो मैं समझता हूं कि इसका फायदा यही मिलता है कि अगर ऑथर का नाम पता हो, उसका एक सेंट्रल आइडिया पता हो, अगर उसने किसके बारे में कुछ कहा है, अगर हमारे उस बुक के बारे में 2 से 3 सेंटेंसेस मिल जाते हैं, तो वो उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं अशोका पर स्टूडेंट्स को लिखवा रहा होता हूं, अब अशोका पर जो कोई न्यू बुक आई है, जैसे मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री में ही बता रहा हूं, मैं पहले हिस्ट्री और हिस्ट्री के साथ मेरे सारे बुक्स हैं, पॉलिटी पर बुक्स हैं, इकोनॉमी पर बुक्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस पर बुक हैं। वी आर नॉट गोइंग टू लिमिट योर सेल्फ टू द बुक्स ऑफ हिस्ट्री। मतलब 2023 के जो भी अच्छी बुक्स हैं, जो चर्चा में रहे, उसको मैंने कोशिश की। हाँ, एक दो एक्सक्लूसिव पॉलिटिकल था, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी पर एक बुक थी, उसको मैंने इसमें नहीं दी क्योंकि वो हमारे मतलब की नहीं थी, और वो पर्सनल इंटरेस्ट के लिए मैंने जरूर उस बुक को देखा, लेकिन मैं इसको एकेडमिक डिस्कशन में नहीं ला रहा। अब यहाँ पर जैसे अशोका है, पोर्ट्रेट ऑफ फिलोसोफर की, तो मैं जब अशोका पर जिस समय स्टूडेंट्स को करा रहा होता हूँ, उस समय जैसे 2023 की पैटी ओलिवेले की बुक है, इसका जस्ट एक रेफरेंस देंगे, क्योंकि इसमें एक बहुत दिलचस्प बात कही है ऑथर ने। अगर आपने नेशनलिज्म पर पढ़ा होगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस वाले भी नेशनलिज्म पर पढ़ते हैं, हिस्ट्री वाले भी पढ़ते हैं, सोशियो वाले भी पढ़ते हैं, एक वेस्टर्न स्कॉलर है, बहुत ही रिप्यूटेड है, बेनेडिक्ट एंडरसन, उसने एक इमेजिन कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट दिया। उसने कहा कि देखिए, राष्ट्र बनता नहीं है, राष्ट्र सोचवाया जाता है। नेशन डज नॉट एंड नेशन इज नॉट बॉर्न, नेशन इज क्रिएटेड इन आवर मेंटल इमेज, दैट इज इमेजिन्ड। हम लोग नेशन को इमेजिन करते हैं। तो उसने बताया किस तरह से आज का जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, प्रिंट मीडिया है, जैसे सेंसस जनगणना है, एक कार्टोग्राफी का कॉन्सेप्ट है, निश्चित भौगोलिक सीमा, तो जब वो सब इंट्रोड्यूस हुआ, तो धीरे धीरे एक नेशन, एक कम्युनिटी थी, वो नेशन के रूप में अपने आप को तब्दील किया। अब इस बुक में अशोका को क्रेडिट मिलता है कि इमेजिन कम्युनिटीज तो नहीं, कम से कम इतना कहा कि चलो भाई, आज के मॉडर्न राष्ट्र की तरह अशोक का राष्ट्र तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, इतना उसने यह कहा कि अशोक ने स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस किया हो या ना किया हो, जैसे लिपि को उसने इंट्रोड्यूस किया हो या ना किया हो, क्योंकि उस समय जो ब्राह्मी लिपि है वो अशोका से पहले से ही होगी, एंड डेफिनेटली अशोका शुड नॉट बी गिवन द क्रेडिट टू हैव इंट्रोड्यूस द ब्राह्मी स्क्रिप्ट,
लेकिन हाँ, अशोका को इतना जरूर कहा जाए, उसको पॉपुलराइज किया अपने इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से। उसी तरह से प्राकृत लैंग्वेज को उसने पॉपुलराइज किया, प्राकृत लैंग्वेज। तो प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि को उसने लोकप्रिय बनाया और उसने लिटरेसी को, एक तरह से साक्षरता को प्रोत्साहन दिया। तो चलिए, बेनेडिक्ट एंडरसन का ना सही, लेकिन अशोक ने पहली बार जम्बू द्वीप के लोगों को एहसास कराने की कोशिश की कि आप एक हो, और अपने वैल्यू सिस्टम, धर्मा पॉलिसी को दिखाने का प्रयत्न किया। तो मैं एक लाइन में इसका कंपैरिजन दे दूंगा बच्चों को लिखाने में, और पैट्रिक ओलिवेले का नाम दे दूंगा। जब एग्जामिनर के पास पहुंचेगा तो जाहिर है कि उस कॉपी को ज्यादा प्राइज करेगा। तो इतना ही मेरा मकसद होता है नई बुक के टच में रहने से, क्योंकि दुनिया में इतने बारे इतने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लिख रहे होते हैं, उनकी निगाह हमारे सारे कॉन्टेम्पोरी सब्जेक्ट्स पर होती है, उसको हम नजरअंदाज करके कैसे चल सकते हैं। देखिए, एक तो ये अपने काम की निकल जाएगी। अब देखिए, इस साल जो बुक आई है रोमिला थापर की, आवर हिस्ट्री देयर हिस्ट्री हुज हिस्ट्री, अब आवर हिस्ट्री देयर हिस्ट्री हुज हिस्ट्री, उनकी बेचैनी का कारण क्या है? रोमिला थापर की बेचैनी का कारण यह है कि आज में जो हिस्ट्री का टेम्परिंग हो रहा है, या फिर हिस्ट्री को रिराइटिंग की बात चल रही है, इनसे इनको कष्ट है, बहुत नेचुरल है, क्योंकि ये सब तो उस जमाने के हिस्टोरियन हैं जिसको आप कह सकते हो मार्क्सिस्ट हैं या सोशल हिस्टोरियन, खुद को तो मार्क्सिस्ट कहती नहीं है। तो जो इससे पहले जो हिस्ट्री लिखा जाता रहा है, तो इनका कहना है कि साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर लिखा जाता रहा है, और हम लोगों ने इंडिया में कल्चरल डाइवर्सिटीज को प्राइज किया है। जैसे नेशनलिज्म है, तो हम ऐसा नहीं मान के चलते कि हमारा नेशनलिज्म एक्सक्लूसिविस्ट है, मतलब कि वह कुछ हमारा नेशनलिज्म एक तरह से यूनिफाइड और एक तरह से यूनिफॉर्म नेशनलिज्म। हमने हमेशा उसमें एक डाइवर्सिटी खोजी और नाम दिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इनका ये कहना है कि अब आवर हिस्ट्री देयर हिस्ट्री हुज हिस्ट्री, जब हम नेशन बनने चलते हैं तो हिस्ट्री का ज्ञान हमें नेशन बनाता है। हम जैसा वर्तमान में चाहते हैं कि व्हाट शुड बी द प्रेजेंट ऑफ इंडिया, या हमारा प्रेजेंट जीवन या वर्तमान जीवन कैसा, वही चीज हम पास्ट में खोजने की कोशिश करते हैं। और एक बहुत अच्छा इन्होंने कोट किया है, कोट करके इन्होंने दिया है इसके बारे में, एक आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस हिस्टोरियन है एरिक हॉसमैन, ये ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन, इनका डेथ 2012 में हुआ। तो ये जो हिस्टोरियन है, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि राष्ट्रवाद के लिए हिस्ट्री उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अफीम हेरोइन टेकर के लिए। जैसे कोई अगर ड्रग लेने वाला है, उसका अफीम जितना इंपॉर्टेंट है उसके लिए, उसी प्रकार से राष्ट्र बनने के लिए इतिहास उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो रोमिला थापर कहती हैं कि भाई, राष्ट्र जब हम बनते हैं तो उसमें हम इतिहास का सपोर्ट लेते हैं, लेकिन अब हम वर्तमान की जरूरत के अनुसार इतिहास को तोड़ते मरोड़ते क्यों, व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्टॉर्ट हिस्ट्री। तो ये इनका कंप्लेन है प्रेजेंट डिस्पेंसेशन से कि हिस्ट्री को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, तो ये अपने काम की उतना नहीं है। हाँ, अगर हमें इंटरव्यू में कोई पूछे कि भाई आपको हिस्ट्री पढ़ने का क्या लाभ है, तो हाँ, इसका काम हो सकता है। उनकी एक दूसरी बुक भी है जो शायद 2022 के लास्ट में ही आई थी, द फ्यूचर इन द पास्ट। तो फ्यूचर इन द पास्ट का भी थीम वही है। फ्यूचर इन द पास्ट का थीम है कि हमारा मतलब इतिहास में हम अतीत के माध्यम से भविष्य की दिशा पाते हैं। इसमें एक टॉपिक मुझे अच्छा लगा था, शायद पीछे भी डिस्कशन में, मुझे ध्यान नहीं है कि इस बुक के बारे में मैंने बताया था या नहीं, इन्होंने म्यूजियम पर बहुत बल दिया है कि म्यूजियम कैन क्रिएट सेंस ऑफ हिस्ट्री अमंग द पीपल। जैसे नॉर्मली क्या होता है, आपने कभी म्यूजियम पर क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों का हिस्टोरिकल सेंस डेवलप करने में, एक कॉमन पीपल, उनको इतिहास के बारे में जिज्ञासा जगाने में, जैसे आप अपने पड़ोसी को ही ले जाइए राष्ट्रीय म्यूजियम में, दिखाना शुरू करिए, देखो ये हड़प्पा सभ्यता हुआ करती थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, या आप दिखाना शुरू करिए, देखिए ये है भारत माता की तस्वीर जो फ्रीडम मूवमेंट के समय, नेशनल मूवमेंट के समय बनाई गई थी, और अवनींद्रनाथ टैगोर ने इसको पोर्ट्रे किया था। अब उसको जिज्ञासा होगी, भाई अच्छा नेशनल मूवमेंट कैसा चल रहा था, उसमें लोगों ने भारत माता की परिकल्पना कैसे की। तो इस तरह से क्या होता है कि म्यूजियम है वो एक ले मैन में भी हिस्ट्री का सेंस पैदा कर देता है, उसको उसके रूट से जोड़ देता है। इन्होंने म्यूजियम वाले पक्ष पर बल दिया। मुझे लगता है कि भविष्य में कहीं भी आपको इंटरव्यू में या मेंस में कहीं भी जरूरत पड़ेगी कि म्यूजियम किस प्रकार से हमें हेल्प करता है। तो चलिए, ये तो ये हो गया।
अब मैं आपको हिस्ट्री का एक लेटेस्ट बुक बताता हूं। देखिए अभी कंफ्लिक्ट चल रहा है हिस्टोरियंस के बीच, क्योंकि आप जानते हो कि 2014 में जब मोदी जी की सरकार गठित हुई और जब बीजेपी की सरकार आई, तो इसका एक अल्टरनेटिव व्यू जो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, हिस्ट्री है वगैरह वगैरह, ये मानकर चलते हैं कि पिछले 7 डिकेट्स में हिस्ट्री को तोड़ा मरोड़ा गया है और सही इतिहास लोगों तक नहीं पहुंचाया गया है। लेकिन अब उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि भाई एकेडमिक हिस्टोरियंस जितने भी हैं वो सब बैठे हुए हैं, वो पुराने 7 डेकेड्स तो नहीं लेकिन पिछले 2-3 डेकेड से तो जरूर एक्टिव रहे हैं, तो उन लोगों का तो अभी पुराना सेंस ही है। तो आप एग्जाम में भी क्वेश्चन देखेंगे और बाकी चीजें तो पुराने पैटर्न पर ही पूछी जा रही है। तो ये जो हो हल्ला पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन में हो रहा है, उसका हमारे पैटर्न ऑफ क्वेश्चन या क्वेश्चन राइटिंग पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, जैसे लोग लिख रहे हैं वैसे ही लिख रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा राइटिस नेशनलिज्म का इम्पैक्ट मैं इंटरव्यू में कहता हूँ, थोड़ा टोन बदलना पड़ेगा, समय अब दूसरा हो गया। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि हम न्यूट्रल हिस्ट्री ना करें, हिस्ट्री तो न्यूट्रल ही होना चाहिए, लेकिन हाँ यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि अभी एक ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस को तैयार किया जा रहा है, क्योंकि पुराने जो हिस्ट्री के बारे में पुराने जो पैटर्न है उस पैटर्न को तोड़ते तोड़ते भी काफी वक्त लग जाएंगे, विच इज नॉट इजी टू ब्रेक द पैटर्न। तो इसलिए इसमें दैट विल टेक द टाइम। इसमें अब जो नए हिस्टोरियंस को बहाल किया जा रहा है, जैसे ICHR है, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, उसमें एक रिप्यूटेड हिस्टोरियन है उमेश अशोक कदम, और इन्होंने एक बुक लिखी है मेडिवल इंडिया रिट्रेसिंग द पास्ट। अब इस बुक का जो थीम है दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत में इन्होंने पहली बार एक बहुत ही अच्छा, अगर जब इनका अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट्स पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनका दृष्टिकोण कैसे अलग है। जैसे थियोक्रेटिक इन्वेजन, इससे पहले जो भी हिस्टोरियंस लिखते थे वो अधिकांशतः जो पहले जिसको आप सेकुलर कह लें, मार्क्सिस्ट कह लें, जो भी कह लें, तो वो हिस्टोरियन थियोक्रेटिक इन्वेजन शब्द का प्रयोग नहीं करते। तो उनका कहना था कि ग्रुप ऑफ पीपुल सेंट्रल एशिया से आए जो पहले भी आते रहे थे, फर्क किया था कि उनका धार्मिक विश्वास अलग था और इससे पहले जो भी इन्वेडर्स आए थे उनका कोई निश्चित धर्म नहीं था, जैसे शक हो, कुषाण हो, इंडो ग्रीक्स हो, तो उनका कोई इंट्रेंच रिलीजन उनका नहीं था। तो वो जब आए उन्होंने हमारे हिंदुइज्म को ही एक्सेप्ट कर लिया। अब ये लोग जो आए ये लोग उतने ही मेसियानिक थे, उतने ही आप कह सकते हो कि प्रोवोकेटिव थे, उतने ही एग्रेसिव थे, और प्लस इनका जो रिलीजन था वो रिलीजन भी उतना ही ओरिजिनल था जितना हमारा था, क्योंकि इनको भी अपने रिलीजन पर गर्व था। ये दुनिया में तलवार के बल पर भी फैलाना चाहते थे, विचारों के बल पर भी फैलाना चाहते थे। तो वह जब आए हमारे सोसाइटी में तो पच नहीं पाए और एक तरह से डिवीजन हो गया रिलीजियस बेसिस पर। लेकिन उन्होंने इस बात को कभी नहीं माना, उन हिस्टोरियंस ने, कि धार्मिक कारणों से आक्रमण हुआ या ये थियोक्रेटिक इन्वेजन था या इंडिया के लिए कि बहुत बड़ी क्राइसिस आ गई। उन्होंने माना कि बस बाकी इन्वेजन की तरह इन्वेजन था, सेंट्रल एशियन थे, थोड़ा क्रूअल थे, थोड़ा वायलेंट थे ज्यादा। इससे पहले भी जो आप देखते हुर आए थे, हुनाज, तो हुनाज ने भी बुद्धिस्ट को यहां पर कत्लेआम ही किया था। तो उनका कहना है कि उसी सीरीज में थे। ये कहते हैं थियोक्रेटिक इन्वेजन की नहीं तो धार्मिक आक्रमण था। और ये टेबल ऑफ कंटेंट को देखेंगे तो आपको पहली बार हंसी आएगी कि अब तक जो हिस्ट्री में कंटेंट बनाया जाता था टेबल ऑफ कंटेंट, तो उसमें ज्यादातर मुस्लिम शासन की बात होती थी और हिंदू डायनेस्टीज होते थे, विजयनगर को काफी कवरेज दिया जाता था लेकिन बहमनी को भी दिया जाता था, बाकी को। इन्होंने क्या किया है कि हिंदू स्टेट्स को ही मेडिवल में कवरेज ज्यादा दिया है। जैसे देखो स्टेट एंड पॉलिटी 8 to 14 सेंचुरी, सारे हिंदू डायनेस्टीज के बारे में, टेंजिबल डिस्ट्रक्शन, रिलीजियस डिस्कोर्स 8 to 18 सेंचुरी, पावर स्ट्रक्चर इन द अपर गंगेटिक बेल्ट, इसमें मराठा मतलब चोलाज प्रतिहारा राजपूता से लेकर और पूरे मराठा तक में ये पूरे के पूरे बुक भरे हुए हैं, और बहुत कम कवरेज अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन, ये सबको दिया गया है। तो यह एक तरह से बदलाव का सूचक है जो बदलाव इस बुक में दिखता है, और उमेश अशोक कदम ने लाया है मेडिवल इंडिया रिट्रेसिंग द पास्ट। तो ये बुक अभी अभी बस ICHR से ही निकली, नहीं सॉरी ICHR से नहीं निकली है, ये बुक निकली है चांदनी चौक पर कोई शॉप है, श्री पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स से निकली। अब देखो एक वर्ल्ड कल्चर पर एक बुक है जो कल्चर अ न्यू वर्ल्ड हिस्ट्री, मार्टिन पुचनेर, लेकिन इस बुक को मैं बहुत नहीं सराहता हूं क्योंकि तो इस बुक को मैं
अशोका के बारे में और दुनिया में बहुत सारे ऐसे कल्चरल पर्सनालिटीज हैं उनके बारे में। हाँ, मैं बुक एक बार दिखा दूं कि कहीं आप लोग बुक का नाम नोट कर लेना कम से कम। जैसे ये रोमिला थापर की बुक मैंने आपको दिखाई है, वो आप लोग इसको देख लेना। ये मैंने उमेश अशोक कदम की मेडिवल इंडिया रिट्रेसिंग द पाथ, आप इस बुक को कोट कर सकते हो। और ये मैंने अशोका का आपको दिखाया है पोर्ट्रेट ऑफ फिलोसोफर किंग, जो पैट्रिक ओलिवेले का है, ये बुक मैंने दिखाई है। तो ये बुक एक इम्पोर्टेंट है। और चलिए हिस्ट्री का पहले मैं दिखा दूं, फिर देखिए एक बुक निकली, अ न्यू हिस्ट्री ऑफ इंडिया और फ्रॉम इट्स ओरिजिन्स टू द 21st सेंचुरी। अ न्यू बुक, अ न्यू हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम इट्स ओरिजिन्स टू 21st सेंचुरी। ये बुक लिखी है रुद्रांशु मुखर्जी। तो हमने इस बुक को इसी लालच में खरीदा कि रुद्रांशु मुखर्जी के द्वारा मेन ऑथर है, हालांकि और भी है, सुविता पुंजा है, टॉबी सिंक्लेयर है, लेकिन रुद्रांशु मुखर्जी बहुत रिप्यूटेड हिस्टोरियन है। परंतु मेरे लिए तो कोई खास यूजफुल नहीं रहा, क्योंकि एंशियंट से लेकर कॉन्टेम्पोरी तक इन्होंने 21st सेंचुरी तक डील किया है, लेकिन बहुत प्रिसाइज दिया है। हाँ, कोई अगर नया स्टूडेंट अगर पूरी हिस्ट्री को पढ़ना चाहे, देखना चाहे, या कोई नॉन हिस्ट्री का व्यक्ति अगर पूरा हिस्ट्री जानना चाहे, तो एक बुक से पूरी हिस्ट्री के बारे में वो आइडिया ले सकता है। तो वो उसके लिए बुक ज्यादा यूजफुल होगा। अब चलिए मैं आपको एक बुक दिखाता हूं। यह है अमिताभ घोष, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑथर है, और इनकी बुक निकली है वह है स्मोक एंड एसेस। स्मोक एंड एसेस जो बुक है, ये बेसिकली किस पर है, तो ओपियम प्रोडक्शन पर, ओपियम ट्रेड पर है। अमिताभ घोष ने जितनी बुक लिखी है उसमें बहुत सारे बुक्स ओपियम पर लिखे हैं। एक बहुत पहले ट्रायलॉजी लिखी थी उन्होंने ओपियम के ऊपर। और सबसे अहम बात यह है कि ओपियम ट्रेड के बहाने ये पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री पर फोकस डाल देते हैं, जैसे ईस्ट एशिया के पॉलिटिक्स पर, कॉलोनियलिज्म पर, नार्को इंपीरियलिज्म पर। नार्को इंपीरियलिज्म का मतलब हुआ कैसे डच एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, इन एम्पायर्स ने कैसे ओपियम ट्रेड को दुनिया में बढ़ावा दिया। ये बुक अमिताभ घोष की है, स्मोक एंड एसेस। इसमें इन्होंने एक दिलचस्प बात कही। इन्होंने कहा कि देखिए, आप लोग शायद प्रीलिम्स में ही पढ़ते होंगे कि पुर्तगाल की एक राजकुमारी थी कैथरीन ब्रिगेंजा, उसका मैरिज हुआ था एक ब्रिटिश प्रिंस से, चार्ल्स द सेकेंड से, जिसमें बॉम्बे डौरी में मिला था, आपको याद होगा। तो ये जो बॉम्बे उसको डौरी में दिया गया था, तब बॉम्बे ही था, मुंबई अब है, तो वो डौरी में उसको मिला था। तो उसमें वो जब कहा जाता है कैथरीन ही पहली बार गई थी जो पुर्तगाल की राजकुमारी थी, तो अपने साथ कुछ चाय लेकर गई थी यहां से। तो जो टी वहां पर लोगों ने पिया तो ब्रिटेन में टी का दीवाना हो गया। तो टी ड्रिंकिंग बिकेम अ वेरी नेशनल कल्चर ऑफ ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में चाय पीने की बड़ी परंपरा चल गई और लोग बहुत धड़ल्ले से चाय पीने लगे। एंड देन द ब्रिटेन स्टार्टेड टू कंज्यूम अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ टी, सो देयर वाज द हेवी डिमांड ऑफ टी इन ब्रिटेन। ईस्ट इंडिया कंपनी इमर्ज टू बी द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ टी टू द ब्रिटिश सोसाइटी। तो यहां से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा व्यापार टी पर हुआ, जो चाइना से टी लेता था और ब्रिटेन सप्लाई करता था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट की इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स टी था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट उस पर 100 से 125% उस पर चुंगी लगाती थी, और उससे ब्रिटिश सरकार का खर्च चलता था। जैसे ब्रिटिश सरकार जो कॉस्टली वॉर लड़ती थी, एक्स्ट्रावेगेंट वॉर लड़ती थी, सो दिस वॉर वॉज बींग फाइनेंस थ्रू टी ट्रेड एंड थ्रू इम्पोजिंग द टैक्स ऑन टी। तो इट वॉज मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन ये पूरा टी चाइना से आता था, तब इंडिया में टी का प्रोडक्शन बाद में ब्रिटिश ने शुरू किया, उस समय इंडिया में टी का प्रोडक्शन नहीं था। तो अब दिक्कतें क्या आने लगी कि भाई कैसे चाइनीज टी को हम पी करें, क्योंकि इसके ब्रिटेन को सोने, विशेषकर सिल्वर, बड़ी मात्रा में देना पड़ता था ईस्ट इंडिया कंपनी को। एंड इट वॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज पुटिंग अ पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन कि भाई आप इतना क्यों यहां से प्रेशियस मेटल ले जा रहे हो। तो उसने एक रास्ता तैयार किया कि इंडिया के ओपियम से हम चाइना का टी खरीदे, वहीं से ओपियम ट्रेड शुरू हुआ, और ओपियम ट्रेड ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक एम्पायर बिल्डर बना दिया। तो यही पूरी कहानी है इसमें। अब जैसे अगर हमें ओपियम ट्रेड पर या नार्को इंपीरियलिज्म पर लिखना हो, या चाइनीज इंडिया ट्रायंगुलर ट्रेड पर लिखना हो,
कुछ पर भी लिखना हो तो हम लेटेस्ट में अमिताभ घोष का नाम देके स्मोकिंग एसेस का नाम दे देंगे बुक का नाम, और उसमें एक लाइन दे देंगे बस, इससे ज्यादा का राइटिंग में स्कोप नहीं होता। आप तो देखो क्वेश्चन 150 वर्ड्स के, 250 वर्ड्स के, 200 वर्ड्स के होते हैं ऑप्शनल में, या 150 वर्ड्स के, और जीएस में 250 वर्ड्स के, 250 शब्द के या 150 शब्द के होते हैं, तो लिखने का स्कोप कहाँ होता। ये देखिए, ये आदित्य बाला सुब्रमण्यम की पुस्तक है, इस पर भी नजर डालिए, ये आपको काम आ जाएगा कहीं रेफरेंस देने में। और ये हिस्ट्री की ही बुक, आप इसको मानिए, टुवर्ड अ फ्री इकोनॉमी। टुवर्ड ए फ्री इकोनॉमी का क्या होगा कि मैंने तो हमेशा कोशिश की है प्रेजेंट एंड पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज में कि आपको पास्ट से प्रेजेंट के बीच एक इंटरप्रिटेशन का लिंक बना रहे, क्योंकि तभी आप प्रेजेंट के साथ बेहतर जस्टिस कर पाएंगे, और ये हमारे जीएस के स्ट्रेटेजी का फ्यूचर में भी हिस्सा है। तो उसमें क्या है कि ये जो आप इस चीज को, इस बुक को देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब इंडिया में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी लागू की थी, जिसको डिरिजिस्टे भी कहते हैं या जिसको नेहरूवियन इकोनॉमिक मॉडल कहते हो, तो उसने सोशलिस्ट मॉडल को अपनाया था और प्राइवेट जो प्रॉफिट है उसको क्रश किया था। तो उस समय उन लीडर्स का एक ग्रुप ऑफ लीडर्स थे जो नेहरू को अपोज कर रहे थे। उसमें कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, मीनू मसानी थे, के एम मुंशी थे। तो उन सबों ने मिलकर एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी 1959 से लेकर 1974 तक लगभग एक्टिव रहा था, एग्जिस्ट किया था। हालांकि कभी वो इलेक्शन नहीं वैसा जीत पाया, अपना प्रभाव नहीं जमा पाया, लेकिन ये ऑथर जो आदित्य बाल सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम है, इन्होंने यह दर्शाया है, आदित्य बाल सुब्रमण्यम ने, कि देखिए आज जो हम इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, आर्थिक उदारीकरण की बात करते हैं, ये आर्थिक उदारीकरण का स्वर तो नेहरू के टाइम में उठा था, और सबसे पहले ये स्वर उठाया था किसने, तो दूसरा कोई नहीं, स्वतंत्र पार्टी ने। सो स्वतंत्र पार्टी द प्रीकर्सर ऑफ द पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। लेकिन उस समय उसकी आवाज को दबा दिया गया, लेकिन समय ऐसा आया कि नेहरूवादी आर्थिक मॉडल हाशिए पर चला गया और इंडिया ने उसी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, आर्थिक उदारीकरण की नीति को अपनाया। यह इस बुक का सार है, देखिए कहीं काम आ जाए। अब देखिए ये जो बुक है जोया चटर्जी की, बड़ी वॉल्यूमियस बुक है, मैंने भी पढ़ी नहीं है, मैंने इसका पहला चैप्टर केवल देखा है। ये बुक जोया चटर्जी की है, शैडोज एट मून एंड द साउथ एशियन 20th सेंचुरी। आप देखिए जोया चटर्जी का बेसिकली, देखिए जोया चटर्जी का हम कई बुक पढ़ चुके हैं, मुझे इस बुक ने काफी इम्प्रेस किया था, पार्टीशन लेगेसी, ये भी बुक मैंने 2020 में पढ़ा था इसको। और ये जो बुक है जोया चटर्जी की, इसमें इसने एक बहुत एक दो बातें बड़ा दिलचस्प बताई। दिलचस्प क्या इसका मैं आपको बताऊं, पार्टीशन जो इंडिया का हुआ है, तो एक ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस है जो इंडिया के, भारत के विभाजन को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि भाई पाकिस्तान ऐसा हुआ, इंडिया को यह पार्ट मिला, जिन्ना ने ऐसा किया, नेहरू ने ऐसा किया, पटेल ने ऐसा किया, तो इस तरह से वो नेताओं के पर्सपेक्टिव से चीजों को देखते हैं। लेकिन जब सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी का विकास हुआ, फिर फेमिनिस्ट स्टडी शुरू हुआ, जिसको महिलावादी अध्ययन कहते हैं, जिसको सबाल्टर्न इतिहास लेखन शायद आपने नाम सुना होगा, तो वो जब शुरू हुआ तो उसके बाद हुआ कि देखो हमको कॉमन पीपल की बात करनी, हमें इन नेताओं की या पॉलिटिक्स की या हाई पॉलिटिक्स ऑफ पार्टीशन की बात नहीं करनी है। तो उसमें जैसे आंचल मल्होत्रा है, उर्वशी बुटालिया है, उसी तरह की ऑथर है जोया चटर्जी, जो फॉरेन कंट्री से, और यह जो स्कॉलर है बहुत अच्छी, और इनका ये कहना है कि देखिए पूरी दुनिया में 1945 का वर्ष इंपॉर्टेंट है, लेकिन साउथ एशिया के लिए 1947 का वर्ष इंपॉर्टेंट है। ये दिखाते हैं कि देखो अब तीन बाउंड्री बन चुकी, इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। पहला पार्टीशन 1947 में हुआ जब इंडिया पाकिस्तान बना, और 1971 में दूसरा पार्टीशन हुआ जब बांग्लादेश बना। इनका कहना है कि चाहे आप तीन अलग अलग राष्ट्र बन गए, लेकिन लोग तो एक ही है, तो लोगों के बीच जो बॉन्ड है तीनों नेशन के बीच, तो उसको, उस बॉन्ड को फील करती है स्टोरी के फॉर्म में, और दिखाती है कि देखिए आप नेता बहुत सारे नेशनलिज्म की बात करते हैं, कोई मॉडरेट नेशनलिज्म की बात करता है, कोई एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म की बात करता है, एक तरफ रेवोल्यूशनरीज है,
एक तरफ सोशलिस्ट है, हमारे नेशनल मूवमेंट में बहुत सारे लीडर्स आए, अपने अपने ढंग से नेशनलिज्म को डिफाइन किया, लेकिन कॉमन पीपुल को इससे कोई लेना देना नहीं था। कॉमन पीपुल का नेशनलिज्म उसके दिल में जो अपनी मिट्टी से लगा हुआ, वो मिट्टी चाहे आज कल भारत था, आज पाकिस्तान हो गया हो या बांग्लादेश हो गया हो। तो देखो ये बंगाली नॉस्टैल्जिया है, क्योंकि देखो बंगाल में एक बड़ी समृद्ध कल्चर था, और जब ईस्ट पाकिस्तान जब बट के चला गया बंगाल से, तो बंगालियों को बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ लॉस हुआ। हालांकि ये पंजाब में भी हुआ था, पंजाब भी कट के चला गया था, लेकिन बंगालियों का चूंकि अपने कल्चर से, बंगाली कल्चर से ज्यादा लगाव है, तो दे ऑलवेज फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया टुवर्ड्स ईस्ट बंगाल। तो कहीं ना कहीं जोया चटर्जी की जो रचना है, ये आगे जब सुभाष चंद्र बोस के भाई जब शरद बोस थे, तो पार्टीशन के समय उन्होंने इस मुद्दे को भी उठाया था, लीड किया था कुछ नेताओं ने बंगाल में, कि बंगाल को रहने दिया जाए, ना इसको इंडिया में ना पाकिस्तान में, कम से कम इसकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी हो। कुछ ना कुछ बंगाल के स्कॉलर्स में एक नॉस्टैल्जिया हमेशा रही है कि बंगाली कल्चर के बॉन्ड के को हमेशा महसूस करते हैं। तो जोया चटर्जी के बुक में हम उस चीज को पा सकते हैं। अब देखिए हिस्ट्री के बुक में तो अब हाँ, एक मैं आपको बता दूं, एक नहीं दो दो बुक, यस नहीं दो, एक और भी है। देखिए विवेकानंद, इसको भी आप नोट करिए, विवेकानंद द फिलोसफी ऑफ फ्रीडम, गोविंद कृष्णा जी का है, लेकिन ये आपको एकेडमिकली काम नहीं आएगी। कारण क्या है कि गोविंद कृष्णा वी ने जो बात कही है, हाउ द संघ परिवार क्रिएटेड आइकॉन इज इट्स आर्क नेमेसिस। जैसे देखो मुख्य मुद्दा यह है कि ये दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि देखो भाई आज विवेकानंद को आइडियलाइज कौन कर रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि ये आइकॉन रहे हैं, विशेष तरह से राइटिस नेशनलिज्म का आइकॉन के तौर पर विवेकानंद को देखा जा रहा है। इसमें जो ये ऑथर हैं, इस ये ऑथर का ये कहना है, गोविंद कृष्णा वी का, गोविंद कृष्णा वी का, कि देखिए एक्चुअली स्वामी विवेकानंद का आप जो यूज कर रहे हैं वो यूज नहीं, मिस यूज हो रहा है। स्वामी विवेकानंद की आइडियोलॉजी आपसे बिल्कुल मेल नहीं खाती। अरे वो तो कंप्लीट कल्चर को मानने वाले हैं, वो तो एक ऐसी हिंदुस्तान की परिकल्पना की थी दैट शुड बी हिंदू माइंड इन मुस्लिम बॉडी, मतलब हिंदू मुस्लिम कंप्लीट कल्चर की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम अमिटी की बात करते हैं, और वो वेस्टर्न कल्चर से वैल्यूज को इम्बाइब करते हैं। कहते हैं कि सिविलाइजेशन हमारा कंप्लीट होगा कि हमें वेस्ट से तकनीकी लेनी है, वेस्ट से हमें भौतिकता लेनी है। आज आप स्वदेशी की बात करते हैं, लेकिन वो स्वदेशी की ही बात केवल नहीं करते थे, वो कहते थे कि हमारे कल्चर को ओपन रहना चाहिए और दुनिया से हर चीज अच्छी चीजें लेनी चाहिए। और हमारे इंडिया का भी कल्चर है, वो किसी हिंदू कल्चर या मुस्लिम कल्चर का दास नहीं है, वह इंडिया की धरोहर है और उसमें सभी लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो स्वामी विवेकानंद ने जिस इंडिया को कंसीव किया था, ऑथर का कहना है, मेरा विचार नहीं है, ये विचार है गोविंद कृष्णा वी का। तो इन्होंने इसमें हिंट किया है आरएसएस की तरफ या बहुत इस तरह के हिंदुत्व ग्रुप की तरह, कि आप कम से कम इनको आइकॉन मत बनाइए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद की आइडियोलॉजी आपकी आइडियोलॉजी से मेल नहीं खाती। ये मैं आपको न्यूट्रली बता रहा हूं, ये इनका विचार है। तो बेसिकली ये, लेकिन अब एकेडमी में हम नहीं लिख सकते, किसी पार्टी पर हम आक्षेप नहीं कर सकते, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं ले सकते। तो आप इसमें ये लाभ उठा सकते कि स्वामी विवेकानंद के विचारों का में जो पार्टिकुलरिज्म न होकर यूनिवर्सलिज्म है, कॉस्मोपोलिटन आउटलुक है, उसका रेफरेंस इंडिपेंडेंट कहीं दे सकते, विदाउट किसी पार्टी का नाम लिए हुए, किसी व्यक्ति का नाम लिए हुए। तो ऐसा तो एकेडमिकली हम लोग यूज करते हैं, हम भी करेंगे, आप भी कर सकते। तो ये है, अब ये देखिए, ये कोटिंग इंडिया, ये नंदनी दास की बुक है कोटिंग इंडिया। अब इसमें रेफरेंस क्या है कि आप लोग भी जीएस में कहीं ना कहीं पढ़ते होंगे, कि आपने रेफरेंस पढ़ा होगा कि जब जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो आया था, तो सर टॉमस रो जब जहांगीर के दरबार में आता है वो रेफरेंस है, लेकिन ये पूरी बुक में हीरो सर टॉमस रो है, उसी को सेंट्रलाइज करके बुक है। क्यों? तो यहां पर बड़ा अच्छा कॉम्पेरिजन किया कि सर टॉमस रो जब इंडिया आया था, उस समय वहां का शासक, ब्रिटेन में जो शासक था वो जेम्स फर्स्ट था, और जेम्स फर्स्ट के ही एम्बेसडर के तौर पर वो जहांगीर के दरबार में आया था। लेकिन जेम्स फर्स्ट और का जो ब्रिटेन था वो काल ने फेमाइन से ग्रस्त था, कंफ्लिक्ट से ग्रस्त था, इंटरनल कंफ्लिक्ट से ग्रस्त था, पार्लियामेंट और मोनार्की के कंफ्लिक्ट से ग्रस्त था। तो
और वो डिक्लाइनिंग था, उसका इकोनॉमिक कंडीशन खराब था, वहां पर प्लेग का भी प्रकोप था। तो मतलब कई तरह की समस्याओं से ग्रस्त ब्रिटेन जब अपनी समस्याओं से जूझ रहा था, और जब सर टॉमस वो जहांगीर के दरबार में आया तो उसका वो एफ्लुएंस देख के सरप्राइज रह गया, क्योंकि इंडिया कल्चरली इकोनॉमिकली ब्रिटेन से कहीं ज्यादा रिच था। और यहाँ का जो उसने कोर्ट कल्चर देखा, कोर्ट कल्चर में जो सेंस ऑफ अवेयरनेस देखा, तो सर टॉमस रो चमत्कृत रह गया। ही वाज सरप्राइज कि भाई इंडिया में कितनी प्रॉस्पेरिटी है। लेकिन हाँ, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक उस समय सफरर देश ब्रिटेन, विच वॉज सफरिंग फ्रॉम फेमाइन, प्लेग एंड मल्टीपल फ्रैक्चर्स, बट इवन ब्रिटेन वॉज थिंकिंग ऑन द ऑप्शन कि हाउ ब्रिटेन कुड प्रमोट कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। मैंने ब्रिटेन कैसे भारत में अपनी जड़ जमा कर अपना विस्तार कर सकता है। उसमें जीतने की बात तो नहीं सोच रहा था, लेकिन ट्रेड के विस्तार की बात सोच रहा था। तो उसके पास कुछ भी नहीं था, विजन था। हमारे पास सब कुछ था लेकिन विजन नहीं था। सो दैट्स व्हाई यू फेल अ प्रे टू द ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म लेटर। यही इसका कुछ सार है। देखिए, आप हिस्ट्री का अगर कहें तो प्योरली हिस्ट्री का, तो हाँ, ये देखिए एक बुक है जो मार्टिन वोल्फ का है, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। इसको समझने के लिए थोड़ी वर्ल्ड हिस्ट्री की थोड़ी समझ चाहिए। जैसे देखिए, आपको मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री में चाहे जहां कहीं भी लेक्चर दिया है, तो हमने इवोल्यूशन, आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का इवोल्यूशन दिखाया है। तो मैंने बताया कि जैसे पूंजीवाद का विकास हुआ, तो देखो यूरोप में आप देखेंगे जैसे प्रबोधन है, इनलाइटेनमेंट है, अमेरिकन रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, तो दो तीन चीजें एक साथ चल रही है, कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब प्योर डेमोक्रेसी नहीं, लेकिन हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से ग्रेजुअली अप टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डेमोक्रेसी। तो लिबरलिज्म मतलब राजनीतिक उदारवाद और पूंजीवाद दोनों साथ साथ पले और बढ़े। तो जैसे जैसे पूंजीवाद का विकास हुआ, वैसे ही वैसे प्रजातंत्र का ही विकास हुआ। एक बता रहा है मार्टिन वोल्फ कि आज दोनों क्राइसिस से समझ, क्योंकि कैपिटलिज्म एक बार वो दिखाया है दृष्टांत कि एक बार कैपिटलिज्म को क्राइसिस आई थी जब वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन 29-30 में आया था, तब जॉन मेनार्ड केन्स आ गया था अपने अर्थशास्त्र, अपनी आर्थिक पॉलिसी लेकर उसको रेस्क्यू करने। लेकिन अभी कैपिटलिज्म को रेस्क्यू करने वाला कोई नहीं। उसी तरह से डेमोक्रेसी है, वो मल्टीपल फ्रैक्चर का शिकार हो रहा है। तो कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी इन दोनों के लिए चैलेंज है। और वैसे भी देखिए, आप तो 21st सेंचुरी में आ चुके हैं, आज की तारीख में डेमोक्रेसी भी अब बहुत बौना प्रतीत होता है। आज देखिए ना बांग्लादेश में क्या हो रहा है, डीप फेक है, वो वहां के चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है। आपने देखा ही कि रशिया में क्या, किस तरह से उसके इलेक्शन प्रोसेस को इम्पैक्ट किया गया। कहने वाले तो आप देखते हो इंडिया इंडिया में भी किस तरह से सोशल मीडिया सक्रिय होती है, और आज की इस पोस्ट टू सोसाइटी में डेमोक्रेसी को डिफाइन करना, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को डिफाइन करना, लगता है कि जितने भी इंस्टीट्यूशन है वही सब इन कोर्स ऑफ टाइम डिफंक्ट कर जाएंगे। और विशेषकर जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, तो अब क्या होगा, कौन सा डायरेक्शन पकड़ेगा, पकड़ेगी दुनिया, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या पकड़ेगी, हमारे पॉलिटिकल पॉलिसी क्या पकड़ेगी। आई एम नॉट डूम शेयर, मैं आपको डूम शेयर की तरह नहीं कह रहा, ये बहुत नेचुरल है। अब डेमोक्रेसी बहुत बौना पड़ गया है, कैपिटलिज्म का विकल्प हमारे पास नहीं, हम बेचैन हैं कि भाई कैपिटलिज्म हमें सुख नहीं दे रहा, लेकिन उसका कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। अगर हमारे पास विकल्प आए तो हम कैपिटलिज्म को छोड़ के निकल जाए। सोशलिज्म बहुत पहले ब्रेकअप कर गया। सो दैट्स व्हाई कि टुडे वी आर नॉट हैविंग एनी स्पेसिफिक यू नो डायरेक्शन और स्पेसिफिक अल्टरनेटिव की व्हाट शुड बी सब्स्टिट्यूट फॉर कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी। तो खैर, ये यहां तक नहीं जाते, इनसे थोड़ा हम आगे चले गए, लेकिन चलिए कोई नहीं, ये भी आपको काम आएगी। और अब हम आपको हिस्ट्री की बुक, तो मैंने आपको बता, हाँ एक बुक है देखिए, ये है नाइजेल बीगर का, हेडिंग है कॉलोनियलिज्म। देखो ये नाइजेल बीगर का नाम और ये कॉलोनियलिज्म आप याद रखिए। एक और मैं ऑथर से परिचय कराता हूं, देखिए यह है नियाल फर्गुसन। इन दोनों लोगों को पहचानिए, विशेषकर ये है ये और भी इनका बैड रेपुटेशन वाले। जैसे नॉर्मली आपने देखा कि कॉलोनियलिज्म जो यूरोप ने एशिया अन्य महाद्वीपों का एक्सप्लाइटेशन किया, उनका शोषण किया, उनके रिसोर्सेस को लूटा, ओके। लेकिन आज वेस्टर्न स्कॉलर्स भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि इतिहास के एक मोड़ पर
यूरोप ने दुनिया को लूटा है, नकार नहीं पाते। हाँ, थोड़ा सुगर कोटेड कभी कभी बनाने की कोशिश करते हैं चालाकी से, लेकिन खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं होती कि नहीं नहीं उन्होंने कुछ नहीं किया एशिया के विकास के लिए। क्या ऐसा कोई भी सेंसिटिव यूरोपियन स्कॉलर नहीं बोल पाता, और वेस्टर्न स्कॉलर है तरीके से। लेकिन ये देखिए कितने निर्लज तरीके से, कितने कर सकते हो आर्टिकुलेट तरीके से, जो नाइजल वीगर कॉलोनियलिज्म को डिफेंड कर रहे हैं। 1857 के रिवोल्ट में जो ब्रिटिश का रिप्राइजल था, जिसने मैंने लोगों को जिस तरह से, आप पूरी कहानी सुनेंगे 1857 के रिवोल्ट को जो उन्होंने दबाया है और उसमें जो उन लोगों को यातना दी है, तो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। लेकिन ये क्या बोलते हैं, कहते हैं कि नहीं ये जरूरी था। दे जस्ट ट्राई टू जस्टिफाई द ब्रिटिश पोजिशन। वो कहते हैं कि भाई ये लोगों में इस तरह का जो रूलिंग क्लास के लोग हैं, अगर फियर पैदा नहीं करेंगे तो फिर तो इससे उनको गवर्नमेंट चलाने के लिए ये आवश्यक था। तो इस तरह की जस्टिफिकेशन देते हैं। या स्लेवरी सिस्टम को अबोलिश किया गया तो स्लेव ऑनर को कंपनसेशन दिया गया। अधिक लोग उसकी आलोचना करते हैं कि एक तो आपने दास व्यवस्था रखी हुई थी, अब दास व्यवस्था का जब समाप्ति हुई तो एक पोएटिक जस्टिस लागू हुआ कि आप अभी तक आपने गलत किया था, अब आपको उसका कंपनसेशन क्यों चाहिए। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं कंपनसेशन चाहिए, तो ये उसको जस्टिफाई करते हैं कि हाँ हाँ कंपनसेशन आवश्यक है। और ये भी कहते हैं उपनिवेशवाद इसलिए आवश्यक था कि पिछड़े हुए लोग थे, इनके विकास के लिए काम किया। तो शायद 21st सेंचुरी में पहले ऑथर कहोगे मेरा यूज क्या क्या है, मैं आपको यूज बता देता हूँ। आप कहीं भी कॉलोनियलिज्म पर लिख रहे होगे, वेस्टर्न वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म को अटैक कर रहे होगे, तो आप नाइजल नाइजल बीगर को और नियाल फर्गुसन को कोट करते हुए कह सकते हैं कि आज भी ऐसे वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं जो अपने इस कदम को न्यायोचित करार देने की कोशिश करते हैं। दे आर जस्ट वर्किंग एज अपोलोजिस्ट, और वह कहीं ना कहीं दे जस्ट ट्राई टू जस्टिफाई देयर पोजीशन एंड द जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ द कॉलोनियल पावर। ये बुक्स का आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म को बचाने। अब चलिए हिस्ट्री का तो कुछ नहीं, और बाकी तो बहुत सारे बुक्स हैं, मैं कितने आपसे डिस्कस करूं, परिचय करा देता हूं आपको और फिर अकेला कोई कहोगे तो बुक को डिस्कस कर लूंगा। अभी देखिए मैं आपको किसी लेक्चर में डिस्कस कर लूंगा ब्रेकिंग ब्रेकिंग द मोल्ड रघुराम राजन की बुक। काफी चर्चा में रही है, एक दो चैनल पर भी आए हैं इस बुक को रिव्यू करने के लिए, मैंने बुक पर अपना विचार देने के लिए। ये री इमेजिनिंग इंडिया इकोनॉमिक फ्यूचर, मतलब अभी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अलावा या मेक इन इंडिया के थ्रू हम बढ़ना चाहते हैं उसके हमारे प्रेजेंट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट से खुश नहीं है। इनका कहना है कि हमें एक इंडियन वेज ऑफ डेवलपमेंट अपनाना चाहिए, और दबी जुबान से इशारा भी करते हैं कि हमारे पास एक डिसेंट्रलाइज मॉडल होना चाहिए, पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेसी को थ्राइव करना चाहिए। इनका कहना है कि इंडिया में जो प्रेजेंट में डेमोक्रेसी और ड्रिफ्ट अवे कर रही है, वो दूर जा रही है। इनके अपने कुछ विचार हैं, लेकिन वो एक गुर पॉलिसी है जिसके लिए किसी अलग लेक्चर में ही हमको डिस्कस करना पड़ेगा। देखिए ये कोई बहुत बड़ी इकोनॉमिस्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ रिप्यूटेड ये भी है, गौतम चिकर माने। इस बुक को देखिए रिफॉर्म नेशन, ये अगर कोई स्टूडेंट अगर इस्तेमाल भी करना चाहे तो ये कुछ काम आ जाएगा उनको, क्योंकि इसमें इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया। जैसे देखिए इन्होंने नेहरू से पकड़ा, और पंडित नेहरू के टाइम में जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी थी उस इकोनॉमिक पॉलिसी के कुछ लिमिटेशंस थे, तो वहां से इन्होंने शुरू किया है। फिर वहां से पीवी नरसिम्हा राव और से लेते हुए अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, और वहां से नरेंद्र मोदी के टाइम में आ गए। इसमें सबसे हमें जो अच्छी चीज लगी, जो मुझे भी काफी काम आया, जैसे आप मान लीजिए हम कोई भी चीज अलग अलग अब पाते, लेकिन अब जैसे मोदी जी के टाइम में ही चाहे अभी जो प्रेजेंट है उसमें कंपनीज एक्ट 2013, फ्यूल प्राइसेस डीरेगुलेशन 2014, लैंड एक्विजिशन, जनधन योजना, आर्बिट्रेशन, एस्किस डेवलपमेंट, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, आधार, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, डीमोनेटाइजेशन, सब पर इन्होंने एक एक पेज आधे आधे पेज में सब के बारे में दे दिया है।
एसेट मोनेटाइजेशन, लेबर रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, अगर कोई लेटेस्ट इकोनॉमी का अगर ट्रेंड जानना चाहे इस बुक के थ्रू जान सकता है। और एक और भी दिलचस्प बात इन्होंने कही, इन्होंने कहा कि देखिए जब 1990 में नरसिम्हा राव के समय जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी जब शुरू हुई थी तो उसमें नरसिम्हा राव ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन लाया, दैट वॉज ए गुड थिंग। तो तीन लॉज उसने लाए थे जिससे ट्रेड को और इंडस्ट्री को डीरेगुलेट किया था उसने। उन्होंने तुलना की है कि जो गवर्नमेंट अभी प्रेजेंटली में आप देखते हो 2020 में जब लॉकडाउन के टाइम में जब वो उसने एग्रीकल्चर थ्री एग्रीकल्चर लॉज लाया था जिससे इतना बड़ा पेजेंट एजिटेशन शुरू हुआ, इन्होंने तुलना की कि ये तीन लॉज एग्रीकल्चर में भी वैसे ही रिफॉर्म्स ला सकते थे जैसे इंडस्ट्री और ट्रेड में लाया था नरसिम्हा राव ने, लेकिन अफसोस की गवर्नमेंट को पीछे हटना पड़ा। तो ये इनको इस बात का अफसोस है कि वो तीनों लॉज वापस लिए गए और मजबूरी ऐसी हुई गवर्नमेंट की वापस लेना पड़ा। वो मानते थे कि एक लॉजिकल कंबिनेशन था 91 का 2020 जो रह गया, इनका यह मानना है। और अधिकांश जो भी आप देखोगे इकोनॉमिस्ट वो इस बात को मानते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव के समय इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी जबकि वह उस पार्टी से जुड़े हुए थे जो स्वदेशी की बात करता था, बट यू विल सरप्राइज टू नो दैट अटल बिहारी वाजपेयी ऑल्सो कैरी द सेम ट्रेंड ऑफ रिफॉर्म्स व्हिच हैव बीन लेफ्ट अर्लियर बाय नरसिम्हा राव। बट अनफॉर्चुनेटली मनमोहन सिंह पर्टिकुलरली इन हिज सेकेंड टेन्योर डिड नथिंग ऑन द फ्रंट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। मतलब सभी ने अफसोस प्रकट किया कि जो मनमोहन सिंह जो नरसिम्हा राव के समय कभी बहुत बड़े आर्किटेक्ट रहे थे रिफॉर्म्स का, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद जो रिफॉर्म्स है वो ब्लॉक कर गया। और मनमोहन सिंह ने अपने दोनों टेन्योर में, पहले टेन्योर में तो कुछ किए भी जैसे टेन चार्टर वगैरह लाया, वो सब कुछ तो किया, इकोनॉमिक फ्रंट पर उन्होंने कोई मेजर काम नहीं किया। और सबसे बड़ी बात है कि जो सेकेंड उनका टेन्योर आया उसमें तो बिल्कुल ही रिफॉर्म्स नहीं हुआ। तो इसलिए मोदी जी को अब क्रेडिट मिल जाता है कि उस ट्रेंड को फिर मोदी जी ने, पीएम मोदी ने उसको आगे बढ़ाया, बीजेपी गवर्नमेंट ने आगे बढ़ाया। और ये कोई एक ऑथर ने, कई ऑथर्स ने लिखा है। तो जो मोदी गवर्नमेंट के टाइम में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ है वो क्रेडिट हमें मानना पड़ेगा, विशेषकर जो उनका जैम ट्रिनिटी है उसने एक तरह से रेवोल्यूशन ला दिया है। सो दिस इज द पॉइंट हियर। और ये दोनों इकोनॉमी पर बुक है। अब मैं आपको कौन सा बुक दिखाऊं, कुछ फॉरेन पॉलिसी पर दिखाता हूं, एक मैं एनवायरमेंट पर दिखाता हूं, मैं इसको एनवायरमेंट पर दिखाता हूं। देख, पीटर फ्रेंकोपान की बुक है द अर्थ ट्रांसफॉर्म। ये जो पीटर फ्रेंकोपान है उसका मैंने एक बुक पढ़ा था सिल्क रूट पर, ये बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन इतना वॉल्यूमस बुक है, इतना मोटा पढ़ना तो बहुत बड़ा चैलेंज है। मैंने इसके सिलेक्टिव चैप्टर्स पढ़े। इस बुक में इन्होंने दिया है कि आज जो इन्वायरमेंट का ये पोजीशन है वो कहीं ना कहीं ओवर प्रोडक्शन, ओवर कंजम्पशन, और सबसे पहले कहानी शुरू पूरी हिस्ट्री से शुरू करते हैं कि कैसे मानव पत्थर तोड़ता था, वहां से कैसे मानव का एवोल्यूशन हुआ, कैसे एग्रीकल्चर शुरू हुआ। फिर एग्रीकल्चर शुरू हुआ तो हम ग्रेन्स को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने पर बल देने लगे, उसी से स्टेट आया क्योंकि स्टेट ने टैक्स लगाया, फिर स्टेट आया तो स्टेट ने और भी प्रोडक्शन को प्रोत्साहन दिया। तो धीरे धीरे आने वाले समय में हम प्रोडक्शन बढ़ाते गए बढ़ाते गए, जनसंख्या बढ़ाते गए, प्रोडक्शन बढ़ाते गए, एंड प्रेजेंटली यू हैव रीच्ड अप टू दिस सिचुएशन। इनका ये भी कहना है जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं हिस्ट्री में हम केवल ह्यूमन की कहानी, ह्यूमन की वीरता की कहानी या हमारे अपने अचीवमेंट्स की कहानी पढ़ते हैं, लेकिन हम हिस्ट्री को पार्ट बनाए कि हमने उस टाइम में अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या किया, हमने उस समय जो वॉल्केनोज आ रहे हैं या उस समय क्लाइमेटिक चेंज आ रहा है या आप कह सकते हो कि फेमाइन आ रही है, तो इस तरह की घटनाएं हैं, दैट शुड ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ हिस्ट्री। उसको भी हमको हिस्ट्री में पढ़ना चाहिए, केवल हमें डायनेस्टीज के बारे में या इकोनॉमिक अचीवमेंट के बारे में या पॉलिटिकल अचीवमेंट के बारे में या स्टेट एम्पायर के बारे में नहीं पढ़ना चाहिए। हमने पिछले क्या कर सकते हैं लाखों वर्ष में, अगर हम प्री हिस्ट्री में जाए तो लाखों वर्ष पहुंच जाते हैं, नहीं तो कम से कम हजारों वर्ष में हमने कितना पाया है, लेकिन इस पाने में हमने क्या कीमत चुकाई है, दैट शुड ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ हिस्ट्री। तो ये बुक अपने आप में मीनिंगफुल है और अब देखिए ये बुक, एक बुक मैं बताता हूं, माया मोदियन आजाद, ये 2023 में ही निकली है। इसके ऑथर हैं सुधा पाई और सज्जन कुमार।
ये बुक देखिए, वैसे आप कहेंगे पॉलिटिक्स के ऊपर है कि कैसे पहले दलित पॉलिटिक्स को लीड कर रहे थे कांशीराम मुंशी मायावती, 2020 के बाद किस तरह से जो बहुजन समाज पार्टी उसका डिक्लाइन शुरू हो गया। और एक टर्म आता है, आप लोग भी पढ़ते होंगे या बहुत सारे बुक्स में, सबाल्टर्न हिंदुत्व। तो सबाल्टर्न हिंदुत्व का मतलब है कि बीजेपी ने कैसे दलित वर्ग को अपने प्रभाव क्षेत्र में लिया और कैसे दलित वर्ग धीरे धीरे बीजेपी के वोटर्स के रूप में ढलते चले गए। तो उसमें जो इन्होंने जो सबाल्टर्न हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट दिया कि यहाँ पर जो बीजेपी की जो चुनावी सफलता है वो मायावती के डिक्लाइन से जुड़ा हुआ है, लेकिन तीसरे नेता के रूप में आजाद का उद्भव हुआ है, चंद्रशेखर आजाद, जो भीमसेन आप सुनते होंगे। तो वो आजाद अब एक ट्रायंगुलर संघर्ष यूपी में कायम कर रहा है, उसमें मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी और हिंदुत्व, उन दोनों का एक ट्रायंगुलर ये नेता के रूप में इमर्ज कर रहे हैं। तो ये तो अपने काम के एकेडमिकली नहीं, हम कहाँ यूज करेंगे, लेकिन हाँ हम यहाँ यूज कर सकते हैं। इसमें एक एक और भी चीज यह है कि रिसेंट में जो हमारी दलित राजनीति है उसका ट्रेंड किधर जा रहा है। जैसे जब न्यू लिबरल इकोनॉमी का एरा आया तो बहुत सारे दलित ऐसे जो प्राइवेट सेक्टर में बहुत वेल प्लेस्ड है, तो उनकी जो मेंटेलिटी है वो कॉमन दलित से अलग है। तो उनका कैसे पॉलिटिक्स में रोल किस तरह का है उसकी तरह भी इस बुक में दिया है। तो इस रूप में इसका थोड़ा यूज हो सकता है, मैं देख लूंगा जो आपके काम का होगा। तो अलग किसी बुक में मैं अलग अलग बुक चेक करूंगा, जो आपका काम का होगा उसको मैं सेपरेटली कहीं डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि इतने सारे बुक्स में सबके साथ जस्टिस करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको मैं रखता हूं और फिर मैं आपको फॉरेन पॉलिसी में थोड़ा ला रहा हूं। देखिए, ये मोदी शेपिंग ग्लोबल ऑर्डर इन्फ्लक्स, जयशंकर है। जयशंकर है तो जाहिर है कि बीजेपी के हैं, और फॉरेन पॉलिसी की सफलता और मोदी जी की रिलेटिवली फॉरेन पॉलिसी सफल भी दिख रही है अभी तक, और अब उसका स्वरूप भी उभर कर आ रहा है खासकर G20 के सक्सेस के बाद। इस साल ये बुक आई है, इसमें इन्होंने कहा है कि इकोनॉमिकली जो इंडिया है वो बहुत तेजी से राइज कर रहा है, और साथ ही साथ इंटरनेशनल फ्रंट पर भी इंडिया मैचिंग अचीवमेंट कर रहा है, और इकोनॉमी में जो उसका अचीवमेंट बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं उसके फॉरेन क्लाउड के कारण भी। जैसे जैसे उसका फॉरेन क्लाउड बढ़ रहा है तो बाकी देशों से उसका इकोनॉमिक एग्रीमेंट, बाकी देशों के साथ उसका ट्रांजेक्शन, तो उन्होंने इंडियन इकोनॉमी का और फॉरेन पॉलिसी के ट्रेंड को पैरेलल में रखकर इसमें देखा है। तो मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, ऐसा आपको न्यूज़पेपर वगैरह में भी दिख जाता होगा, बहुत सारे आर्टिकल्स आते रहते हैं, तो कोई आपके लिए नई चीज ये नहीं। अब देखिए, एक सतिंदर कुमार लांबा है, ये बेसिकली एम्बेसडर रहे कई कंट्री में इंक्लूडिंग पाकिस्तान। इन्होंने इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को 6 प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर में देखा है। चलिए बात कुछ नहीं, थोड़ा मुझे क्यूरियोसिटी थी कि नेहरू के टाइम में, इंदिरा गांधी के टाइम में और भी प्राइम मिनिस्टर्स के टाइम में कैसे इंडिया पाकिस्तान के संबंध हुए। हमें इसका पहला चैप्टर अच्छा लगा, इवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान इन्होंने दिया। इन्होंने दिया कि 1947 में जब इंडिया का पार्टीशन हुआ वही अपने आप में बहुत गलत था, और पाकिस्तान का जो क्रिएशन था दैट वॉज इट सेल्फ अ मेजर एरर इन जजमेंट, ये जजमेंट का एक बहुत बड़ा एरर था। इन्होंने बताया है एक एक दो ऐसे कोट दिए हैं जो हिस्ट्री की बुक्स में भी नहीं मिलती। जैसे इन्होंने एक कोट दिया है मौलाना अबुल कलाम आजाद का 1946 में, इन्होंने कहा कि 46 में मौलाना आजाद ने एक बात कही, कहा कि देखो 2000 माइल्स दूर आप ईस्ट पाकिस्तान बना रहे हो और आप समझते हो कि मुस्लिम पहचान से आपके पाकिस्तान में यूनिटी हो जाएगी, तो दुनिया के कोई भी देश में मुस्लिम पहचान से यूनिटी नहीं हुई, आप गलत करने जा रहे हो। और अब होगा क्या आपके साथ कि पहले बंगाली नेशनलिज्म आएगा आपके अंदर, बंगाली पहचान उभरेगी, फिर पंजाबी पहचान, बलूची पहचान, पख्तून पहचान और सिंधी पहचान उभरेगी, और आपका पाकिस्तान दो टुकड़ों में तो अवश्य बटेगा और कितने टुकड़ों में बटेगा कह नहीं सकता। तो दिस वॉज द स्टेटमेंट गिवेन बाई मौलाना अबुल कलाम आजाद, ही वॉज हिमसेल्फ अ मुस्लिम लीडर एंड ही ट्राई टू पुट जिन्ना एंड ब्रिंग जिन्ना टू द बुक एंड ब्रिंग टू द अटेंशन ऑफ जिन्ना कि व्हाट अ फैटल मिस्टेक द मुस्लिम लीग वॉज गोइंग टू कमिट एट दैट टाइम थ्रू क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये मुझे इंप्रेसिव लगा कि मौलाना आजाद का स्टेटमेंट। उसके बाद फिर एक स्टेटमेंट है कि इनका माउंटबेटन का 1947 का, माउंटबेटन ने इस बात को कहा, उसने कहा कि भाई देखिए
ये जो पाकिस्तान करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान एक नेशन नहीं बना रहा, एक टेंट बना रहा, टेंट बना रहा। टेंट तो समझते होंगे जिसमें लोग रहते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉपर नेशन। और उसी में आयशा जलाल एक अमेरिकन पाकिस्तानी मूल के अमेरिकन हिस्टोरियन है, परंतु अभी वो इंडिया में बहू भी है, इंडिया की बहू भी है, तो एक रिप्यूटेड हिस्टोरियन है, तो एक रिप्यूटेड हिस्टोरियन की पत्नी भी है। तो उनका आयशा जलाल का स्टेटमेंट रहा कि वो टेंट भी जो था वो नेशन तो नहीं बन सका, हाँ वो मिलिट्री बैरक में हो गया, सैनिक बैरक में। फिर उन्होंने कोट किया 1969 में जनरल अयूब खान का, कि जनरल अयूब खान ने कहा कि देखो पाकिस्तान का तो बचना मुश्किल है, इस पाकिस्तान तो 2-3 वर्ष का मेहमान है, 1969 में वो बोल रहा है जनरल अयूब खान। और 71 में पाकिस्तान निकल गया, 1970 में सॉरी पाकिस्तान बट गया, मतलब बांग्लादेश निकल गया, ईस्टर्न पाकिस्तान, 2 वर्ष के अंदर स्टेटमेंट के अंदर। तो वही चीज यहां पर हाईलाइट किया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि देखो ईस्ट पाकिस्तान तो जाएगा, वेस्ट पाकिस्तान को आर्मी बचाएगी, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर में तो किसी को विजन है नहीं, कोई इक्का दुक्का आ जाए आर्मी ही इसको बचा के वेस्ट पाकिस्तान को रखेगी, क्योंकि ये बास्केट ऑफ फ्रॉक्स है। बास्केट ऑफ फ्रॉक्स का मतलब है कि मेरकों का पिटारा है, इसमें अलग अलग मेरक अलग अलग जम करके निकल जाएंगे और पाकिस्तान टूट जाएगा, आर्मी ही इसको रोक के रख पाएगी। तो इसका अपना स्टेटमेंट है। तो यही सब कुछ एक चीजें हैं जो इंटरेस्टिंग है, और बाकी तो इसका कुछ नहीं। एक मैंने ये बुक लिया था सिनर्जीज इंडिया अफ्रीका रिलेशंस, ये कोई बहुत अच्छी या बहुत रिप्यूटेड स्कॉलर नहीं है, ये आई एम जस्ट टेलिंग यू द नेम, ये प्रोफेसर नाग लक्ष्मी एम रमन एंड डॉक्टर नेहा सिन्हा। लेकिन हमने इसको इसलिए इस बुक को लिया कि इंडिया और अफ्रीका का रिलेशंस पर बहुत ऑथेंटिक बुक नहीं मिलता है, और इंडिया अफ्रीका जो रिलेशंस उसमें कई ऐसे नए मोड़ आए हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी का है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम का है, डेवलपमेंट वर्क है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, तो ये सब का उनके बीच जो है, चाहे हॉर्न ऑफ अफ्रीका से क्या रिलेशंस है। तो ये बुक मुझे कुछ काम की लगी जिसका मैं अपने ढंग से इसका यूज कर लूंगा। और फिर देखिए एक मैं आपको दो एक क्वालिटी पर दो बताता हूं, जैसे देखिए एन ओरिजिन स्टोरी द कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशन अरग्या सेनगुप्ता। ये कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि मैंने एक रील में भी ये बात कही है, और आप अगर इस बार का फ्रंटलाइन देखेंगे तो उसमें एक पहला चैप्टर लिखा हुआ है कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चैप्टर दिया हुआ है। एक्चुअली हुआ क्या है कि 2023 में ये बहुत ही कॉमन नैरेटिव क्रिएट किया गया है, और है कि भाई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन कॉलोनियल लेगेसी है, मतलब उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई देखिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1935 का जो इंडियन काउंसिल, इंडियन जो गवर्नमेंट एक्ट है, जो इंडियन काउंसिल बिल ऑफ 1935 है, उसका रिप्लिका है, उसकी नकल है, और हमने बहुत कुछ विदेशी संविधान से लिया है, तो हमारे संविधान में देशीपन नहीं, जिसने हमारे संविधान को एक बात तो यहां तक चली, एक विवेक देवराय का आया भी आप फ्रंट लाइन में देखेंगे कि भाई एक दूसरा संविधान ही बनाया जाए, अब तो चर्चा है कि एक दूसरा संविधान ही होना चाहिए। विवेक देवराय का अपना कुछ दूसरा स्टेटमेंट है, लेकिन उसका मतलब कुछ निकल के इसी तरह का आता है। और फिर बहुत सारे स्कॉलर पॉलिटिकल लीडर्स भी जहां तहां बोलते हैं कि वो संविधान कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसमें जो ये ऑथर है अरग्या सेनगुप्ता, इनका भी यही कहना है, इनका ये कहना है कि देखिए 7 डेकेड्स के बाद आज हमारी समझ में आ रही इस बात को कि हमारे नेशनल लीडर्स जो जिसने फ्रीडम मूवमेंट लड़ा और थ्रू आउट ब्रिटिश हुकूमत से संघर्ष किया, लेकिन जब आजाद होने के बाद आफ्टर बीइंग फ्री उसने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो बस पश्चिम की नकल कर ली। तो हमने कहीं ना कहीं पश्चिम की नकल की, हमारा संविधान जस्ट वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन का रिप्लिका हुआ। तो ये भी इस मुद्दे को उठा रहे, इसका कहीं ना कहीं एकेडमिकली ये तो यूज नहीं किया जा सकता कि संविधान को बदल देना चाहिए या रिप्लेस कर देना चाहिए, तो हम एकेडमिकली एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इतना हम कर सकते कि हम संविधान के कुछ क्लॉजेज के ऊपर जो इसका हम हेल्प कहीं राइटिंग में ले सकते हैं जहां तहां, तो मैं देख लूंगा जो आपके काम की चीजें होगी और जो एकेडमिकली उसको मैं निकाल कर आपको दे दूंगा या बता दूंगा किसी डिस्कशन में। एक
बुक है पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की है, ये है इंडियंस एक्सपेरिमेंट विद डेमोक्रेसी, और इसके ऑथर है एस वाई कुरेशी, जो आप जानते हैं कि एक्स इलेक्शन कमिश्नर हैं, और ये बड़ी आर्टिकुलेट और एक्टिव रहे हैं। आप न्यूज़पेपर में भी इनके आर्टिकल्स देखते होंगे। तो यह जो बुक है, इसमें इन्होंने बहुत सारे खास के इलेक्शन पॉलिटिक्स पर, आज के जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं उन सब पर इन्होंने दिया है। जैसे जनरल इलेक्शन तो ऑन इंडियाज इलेक्टोरल डेमोक्रेसी पर दिया है, किटिंग द इलेक्शन कमीशन इन इंडिया, इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी का मुद्दा है या उसका लिमिटेशन उसको दिया है, कैसे इसको इंडिपेंडेंट बनाया जाना चाहिए। फिर इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन्स के ऊपर दिया है, कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर दिया है, कोरोना इलेक्शंस, क्लियरिंग द कोविड चैलेंज फॉर इलेक्शन, फिर कंडक्टिंग इलेक्शंस ड्यूरिंग ए पैंडेमिक, खैर ये सब तो दिया है। और सबसे बढ़कर इन्होंने क्रिमिनलाइजेशन इन इलेक्शंस, जो ज्वलंत मुद्दा है, साइमल्टेनियस इलेक्शंस टू स्टेट और सेंटर की बात है उस पर दिया है, फाइनेंसिंग इलेक्शंस पर दिया है, यानी फंडिंग इलेक्शन फंडिंग के ऊपर दिया है, डिमोनेटाइजेशन पर दिया है, रिफॉर्म्स एंड रिकमेंडेशंस पर दिया है, इंटरनेशनल इलेक्शंस पर भी चर्चा की है, कोलंबो कलेक्टिव ए डिफाइनिंग मूवमेंट। तो ये अपने आप में इंसाइक्लोपीडिक है। इलेक्शंस के ऊपर मुझे लगता है कोई भी एस्पेक्ट नहीं है जिसको उसमें छोड़ा गया है। स्टूडेंट्स के लिए तो मुश्किल होगा इसको करना। हाँ, अगर कोई अगर किसी का अगर क्वालिटी अगर ऑप्शनल है तो वो सेलेक्टिव चैप्टर्स के लिए इसका यूज कर सकता है। बुक अच्छी है, ऑथर भी अच्छे हैं। अब देखिए, है तो बहुत सारे बुक्स, हम लोग इसको चर्चा करते रहेंगे तो थक जाएंगे, क्योंकि काफी समय आप लोगों का भी निकल गया है। तो अब मैं इसमें देख लेता हूं कि आपके काम का और कोई है, क्योंकि बुक्स तो ये दोनों सेल्फ 2023 का ही बुक्स है ये पूरा, लेकिन सारे बुक्स आपके काम के नहीं है। इंटरनल सिक्योरिटी पर आहूजा कपूर का एक बुक है, ये भी अच्छी बुक है, इससे मैं कुछ ही ले रहा हूँ। अमित आहूजा एंड देवेश कपूर की बुक है इंटरनल सिक्योरिटी इन इंडिया। एक बुक और भी थी जैसे कीपिंग इंडिया सेफ, ये भी करके एक बुक आई है, लेकिन ये इंटरनल सिक्योरिटी इन इंडिया पर ये बेहतर बुक है। और भी है जैसे न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर निकली हुई है। हाँ, एक बुक इंटरेस्टिंग है, पॉलिटी पर ही है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये मुझे बुक लगता है कभी मैं रील में आपको दे दूंगा या कहीं बताऊंगा, फाउंडिंग मदर्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। ये बुक इस रूप में यूनिक है कि कहीं पर नोट्स वगैरह आने में कहीं भी लोग यूज कर सकते हैं इसको। जैसे अब तक तो फाउंडिंग फादर्स ऑफ इंडियन रिपब्लिक कहा जाता था, इसमें फाउंडिंग मदर्स है। जैसे जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब सबमिट किया गया था तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स ने साइन किया था उसमें 11 महिलाओं ने साइन किया, जो महिला स्कॉलर्स हैं। और इन्होंने केवल साइन नहीं किया है बल्कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बहस में पार्टिसिपेट किया है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को शेप देने में 11 महिलाओं का बड़ा योगदान है। तो ये मैं कोई ना कोई रूप में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ये बुक मेरे विचार से अच्युत चेतन की है, और बुक का कवर आप देख ही रहे हैं, तो ये आपके लिए बेहतर हो सकता। अब मैं इस डिस्कशन को विराम देता हूं, क्योंकि आप भी सारे बुक देखते देखते थक जाएंगे। अब जो आपकी जरूरत होगी रील से लेकर, और कहीं ना कहीं मैं आपको, आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। ओके माय फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच। अब मैं यहीं पर विराम लेता हूं। थैंक यू।